हेलो स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आसमी। ओके स्टूडेंट, पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, जो हमारा चैप्टर चल रहा है व्हाई डू वी फॉल इन। इसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारी टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप लोग पढ़ें, सारी चीज़ों को अच्छे से समझें। मेरे दो तीन स्टूडेंट हैं, जैसे आपका हर्ष गुप्ता, कासिर आलम और करीना उरूस, तो ये दो चार स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि इन्हीं कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों को जितना हो सके मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। करने के लिए मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक बोर्ड है, ये मैं हूँ और यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। चलो तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में इस टॉपिक में दो तीन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तीन चीज़ें आएंगी, एक तो हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन के बारे में, व्हाट इज प्रिवेंशन, व्हाई प्रिवेंशन इज इम्पोर्टेंट, सेकंड टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, और थर्ड जो हमारा इसमें समझने के लिए होगा, जो टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन में जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन होता है एंड सेकेंड होता है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। तो हम जनरल वाले को पढ़ेंगे, स्पेसिफिक वाले को नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन से पहले जो हमने टॉपिक क्लियर किया था उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, वो थी आपकी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। अगर कोई आदमी यहाँ तक पहुँचता है उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है तो दो तीन लिमिटेशन उसमें होते हैं। लेट मी राइट दीज लिमिटेशंस, जो इसमें लिमिटेशंस होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि 100% ऐसा ही हो जाए। एक तो आपका फर्स्ट 100% रिकवरी का चांस नहीं, ज़रूरी नहीं कि 100% रिकवरी हो जाए, मे बी 100% नहीं हो रही है, आपकी बॉडी में ऐसा डैमेज हो गया जिसकी वजह से आप पूरी लाइफ थ्रू आउट लाइफ परेशान है। तो 100% रिकवरी मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, ये कंफर्म नहीं होता तो ट्रीटमेंट के बाद। दूसरा, मान लेते हैं 100% आपको रिकवरी मिल गई, बट ट्रीटमेंट स्टिल टेक्स सम टाइम, यू नो, एक दिन में ट्रीटमेंट करवाया, कुछ टाइम में हो सकता है आपको ठीक आराम मिल गया, लेकिन कभी कभी ट्रीटमेंट कराने में काफ़ी टाइम लग जाता है, एक हफ्ते दो हफ्ते का टाइम लग जाता है और उसकी वजह से काफ़ी लॉस होता है। जैसे पिछले मंथ में मेरी जब वो कफ की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था तो उस टाइम मुझे कम से कम काफ़ी दिनों तक ऐसी प्रॉब्लम हुई, खांसने के बाद भी मैंने वीडियोज़ को बनाया, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, लेकिन उतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना सका और उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सका, तो मेरा भी नुकसान हुआ, आपका भी नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है, तो यू नो ट्रीटमेंट टेक्स टाइम, ट्रीटमेंट जो होता है ये टाइम टेकिंग होता है, ये टाइम टेकिंग होता है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट, मान लेते हैं ये टाइम टेकिंग नहीं है, आपने ट्रीटमेंट लिया, एक दिन भी आप एब्सेंट नहीं हुए, सारी चीज़ें ठीक से हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन भी आपने गैप नहीं किया स्कूल जाने में। ओके नेक्स्ट आपका इसमें जो होगा वो कि आप इन सारी चीज़ों के बाद भी मे बी आप किसी को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं डिजीज़, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, आपने स्प्रेड कर दिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आपने इस डिजीज को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ओके तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो दो तीन लिमिटेशंस यहाँ पे आती है ट्रीटमेंट कराने की वजह से, 100% रिकवरी नहीं मिलेगी, टाइम लगेगा उसमें, और साथ ही साथ आप 1% टू अनदर पर्सन इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो इसमें है वो ये है कि जब हम इन सारी चीज़ों से हमें प्रॉब्लम हो रही है, ट्रीटमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या जरूरत है ट्रीटमेंट कराने की, ट्रीटमेंट कराने की जरूरत ही ना पड़े ना, ऐसा हम करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन, मतलब कि हमारे अंदर बीमारी ही ना हो, जब हमें बीमारी नहीं होगी तो हमें ट्रीटमेंट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बीमारी ना हो मतलब प्रिवेंशन, इन्फेक्शियस एजेंट्स को अपनी बॉडी के अंदर जाने से प्रिवेंट करना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन, यू नो। तो इसी प्रिवेंशन को हमें समझना है, तो इसीलिए कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक स्टेटमेंट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन Then, cure. जो आपका प्रिवेंशन होता है ये क्योर से ज्यादा बेटर होता है, दवा खाने से बेहतर है कि आपको बीमारी ही ना हो और दवा ही ना खानी पड़े, क्या जरूरत है, मजा भी तो नहीं आती उसमें, तो इनसे आप बचे रह जाएंगे। तो अब देखो
प्रिवेंशन, जो प्रिवेंशन होता है, हम किस तरह से उनकी एंट्री को प्रिवेंट कर रहे कर सकते हैं, किस तरह से हम इनफेक्ट किसी अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज या फिर कोई भी डिजीज हो गई उसको अपनी बॉडी के अंदर इंटर होने से रोक सकते हैं, तो उस प्रिवेंशन को हमें समझना पड़ेगा। हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन, देयर आर टू वेज ऑफ प्रिवेंशन, वेज ऑफ प्रिवेंशन। फर्स्ट आपका होता है एक तो हो जाएगा टू वेज, देयर आर टू वेज। फर्स्ट आपका हो जाएगा जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन, जनरल वे ऑफ, जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन। एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन, स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। ओके, तो हमारे पास पढ़ने के लिए जो दो प्रिवेंशन है वो आपका एक जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन है एंड सेकेंड स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन है। अब ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन को हम आज पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वाले टॉपिक में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन को समझा दूंगा। तो जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन है क्या, कुछ नहीं, सिंपल सा है कि आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शियस एजेंट्स का एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करना, उसको प्रिवेंट करना, उनकी एंट्री को प्रिवेंट करना, बस यही है। तो प्रिवेंटिंग ऑफ एक्सपोजर ऑफ एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो ये जनरल वाले में आप क्या लिखेंगे, जनरल वाले में सिंपल सी चीज है कि आपको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंटिंग ऑफ एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स की एंट्री को, इन्फेक्शियस एजेंट्स के एक्सपोजर को प्रिवेंट कर दिया अगर आपने, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से आप बच जाएंगे। ओके, किस तरीके से आप ये कर सकते हैं, जनरल प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया आपने, अच्छा आपने पढ़ा होगा मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में, मैंने दो लेक्चर पहले भी उसका बनाया हुआ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस मीन्स ऑफ स्प्रेड को भी आप पढ़ लेंगे। अगर आपने मीन्स ऑफ स्प्रेड को पढ़ा तो ये वाली, ये सारी चीजें आराम से आपकी समझ में आ जाएंगी। ओके, मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में मतलब कि वो किस तरीके से जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, किन चीजों के थ्रू पहुंचते हैं। तो किन किन चीजों के थ्रू पहुंचते हैं, कुछ एयर के थ्रू पहुंचते हैं, कुछ वाटर के थ्रू पहुंचते हैं, कुछ आपके वेक्टर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, और कुछ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। ओके, जो एयर के थ्रू पहुंचते हैं तो कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, देखो क्राउड वाले एरिया में नहीं जाते, जहाँ पे बीमारी फैली हुई है उस एरिया में नहीं जाते, तो वहाँ पे मे बी बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत लोगों को स्नीजिंग आ रही है, कफ कर रहे हैं, तो जो उनके ड्रॉपलेट्स हैं या फिर वायरस जो है वो उस एयर में इस तरह से घूम रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे और डिजीज कॉज करेंगे, बेहतर है हम उस एरिया में जाए ना। तो एक तो ये हो गया कि आप थोड़ा सा एक्सपोजर जो है, ठीक है ना, जो क्राउड वाला एक्सपोजर है उसको आप कम कर दें, ठीक है ना, या क्राउड वाले एरिया में ना जाए, क्राउड वाले एरिया में ना जाए। सेकेंड है वाटर, आप प्योर वाटर की सप्लाई करें, आप अच्छे वाटर की सप्लाई करें, आप ऐसे वाटर की सप्लाई करवाएं जहाँ पे जिसमें ना के बराबर कंटेमिनेशन है, तो ऐसी चीज़ें जब आपके यहाँ प्योर वाटर पहुँचेगा तो वहाँ पे जो आपका जो डिजीज़ होगी, वाटर बॉर्न डिजीज़, एयर बॉर्न डिजीज़ को आपने ऐसे कंट्रोल कर दिया, क्राउड वाले एरिया में नहीं जा रहे, वाटर वाली डिजीज़ जो होती है वो वाटर मिक्स होता है, वाटर में जो बैक्टीरिया और सारी चीज़ें होती है, आपने प्योर वाटर की सप्लाई करके उसको भी कंट्रोल कर दिया, उसकी उस डिजीज़ पे भी को भी प्रिवेंट कर दिया अपनी बॉडी में एंट्री करने से। वेक्टर जो होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, यू नो, लेके आते हैं बॉडी को, सॉरी वो उनको जो इन्फेक्शियस एजेंट्स को आपकी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, अगर आप जैसे मॉस्किटो हो गया, फीमेल मॉस्किटो है, एनाफिलीज मॉस्किटो जो किसको ट्रांसफ़र करती है, आपका प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, आपने क्या किया, जैसे ही दिखा पट्टे से आपने मार दिया, हाथ से मर गया, आपको बीमार वो डिजीज कॉज नहीं करेगा, खत्म काम, आपके लिए अच्छी बात है। तो आप वहाँ पे आपको कुछ ऐसे दवाइयों का छिड़काव करवाएं या फिर
या फिर आप मॉर्टिन जला लें, ठीक है ना, ऐड नहीं कर रहा उसका, तो जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन्स वेक्टर से फैलने वाले डिजीज को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट वाला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाला, हमने HIV के बारे में एग्जाम्पल के तौर पर HIV एड्स के बारे में बात की। एड्स जो है वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द फिजिकल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देर आर लॉट ऑफ प्रोटेक्शन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सो वी कैन टेक वन ऑफ देम एंड वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, तो हमें अपने उनकी एंट्री से हम बच सकते हैं वो जो इन्फेक्शियस वायरस है, तो ये हो गया। तो इनके अलावा हमारी बॉडी में एक और चीज पाई जाती है जिनका स्ट्रांग होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। मैंने पहले भी इस इम्यून सिस्टम के बारे में बताया, इम्यूनिटी के बारे में बताया, तो इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी अगर आपने समझ लिया तो उसको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्या होता है इम्यून सिस्टम। पहले तो आप एयरबॉर्न डिजीज ये सारी चीजें कंट्रोल करने के बाद एक लास्ट वाला जो जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन है उसमें एक चीज और ऐड होती है, आप इम्यून सिस्टम, देखो इम्यून सिस्टम अगर आपका अच्छा होगा तो होता क्या है ना कि आपके क्लास में किसी बच्चे को मान लेते स्नीजिंग आ रही है, कॉमन कोल्ड दैट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट, कॉमन कोल्ड होता है बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन सारे बच्चों को क्या नहीं होता, वो डिजीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज सारे बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून सिस्टम बहुत अलग अलग होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, दिस इज द डिफरेंट, हमारी बॉडी में जो प्रोटेक्टिव सेल्स होती है, ऐसी सेल्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल सिक्रीट करती है या फिर बैक्टीरिया को ईट करती है, खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय करती है, उन वो सब मिलके क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, और इम्यून सिस्टम हमारा प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए लॉट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सेल को हेल्दी रहना भी जरूरी है। अब हम वो हेल्दी कैसे रहेंगे, जैसे हम मैंने कहा कि वो स्नीजिंग हो रही है, सारे बच्चे बीमार नहीं होते, कोई एक बीमार हो गया क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम वो कमजोर था, आसानी से उसके ऊपर अटैक कर दिया उस वायरस ने। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे ओके, अब उसमें होता क्या है ना कि जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी आपने COVID-19 के टाइम पे आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा कि ये खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो खाओ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऑफकोर्स आप अच्छे हाईली न्यूट्रिशियस फूड लो, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, आप एक्सरसाइज करो आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी इम्यून सिस्टम को मेंटेन रख सकती हैं। तो प्रॉपर नरिशमेंट, यू नो प्रॉपर नरिशमेंट एंड एक्सरसाइज जो आपकी है, एक्सरसाइज व्हाटएवर स्पेलिंग जो भी है, प्रॉपर नरिशमेंट एंड एक्सरसाइज जो है वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। ओके, इन सारी चीजों को आप पढ़ें, ये जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन है। आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, आप एक्सपोजर कम कर दें, एक्सपोजर का मतलब इन्फेक्शियस एजेंट से एक्सपोजर कम कर दें, तो ये आपकी बॉडी इन मतलब वो एंट्री नहीं मार पाएगा, एंट्री नहीं हो पाएगी उन डिजीज की, तो आप ज़्यादा टाइम तक सेफ रहेंगे। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझें, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करने, क्योंकि मैंने वैसे सारे लोगों को नंबर तो दे नहीं रखा हुआ, फिर भी उसके अलावा आज वैलेंटाइन डे है, सो मैं आप लोगों को इसकी कोई शुभकामना नहीं दूंगा, अच्छे से पढ़ाई करो, मार बार खा गए तो अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहें, इन सारी चीज़ों से दूर रहें। थैंक यू सो मच।